हेलो फ्रेंड्स, आई एम अथर डायवार। सो टुडे वी आर मेकिंग मेटल कार। सो आई वाज यूजिंग मेटल मैकेनिकल मॉडल फॉर मेकिंग माय कार। यू कैन बोट इट फ्रॉम योर नियरेस्ट टॉय शॉप। वीडियो को स्टार्ट करेंगे तो अब हमको इस साइज के फुल मेटल पीस लेने हैं और इस साइज का एक लोहे का आयरन का एक ऐसा पीस लेना है और उसमें एक जो नट रहेगा वो आप पहले तो मैंने तो पहले से डाल के रख लिया है तो और आपको फिर एक ऐसा ही रहे, उसमें सिर्फ एक पीस मिलता है इसका, तो आपको इसका एक ही पीस लेके ये यहाँ पर ऐसे जो दो डॉट्स मिलेंगे आपको वहाँ पर ऐसे रख देना है, वहाँ पर ऐसे फिक्स कर देना है। ये देखिए मैंने टाइट कर लिया है। अब हमको इस तरह के दो प्लास्टिक के छोटे व्हील्स मिलते हैं, उनको एक व्हील लेना है और ऐसे इसके छह सर्कल के अंदर डाल के फिर जो यहाँ पर ये डॉट है उससे ऐसे डालना है। तो थोड़ा आपको पावर लगानी पड़ेगी उसके लिए। डाल लिया है। अब आपको एक ऐसे का नट लेना है पर मैंने एक जगह में पहले से फिक्स करके रखा है तो अब मैं ये दूसरी जगह में फिक्स करूँगा। अब हम इस चक्के को अंदर डालेंगे इस पॉइंट ऐसे और फिर ये नट लेंगे और उसको यहाँ पर ऐसे इस तरह दिखेगा। तो ये मैंने एक छोटी सी हथौड़ी की मदद से डाल लिया है और अब हमको ये ऐसे वाले वाले लेने हैं और ऐसे इसको अगर आपको परमानेंटली बनाना है तो आप बना सकते हैं, अगर बार बार बनाना है तो फिर भी ठीक है। देखिए मैंने इधर डाल चुका हूँ। तो अब हम ये फोर डॉट्स वाले दो मेटल के पीस लेंगे और उन्हें जो लास्ट सेकंड पॉइंट है उससे कनेक्ट कर देंगे दोनों का, ऐसे कुछ इस प्रकार ये दिखेगा। ओके तो अब हम नट डालते हैं इसमें। ओके ये कुछ इस प्रकार का दिखेगा। तो फिर जब ये जुड़ जाए तब हमको इस तरह के फाइव डॉट्स वाला लेने हैं और ये यहाँ ऐसे लगा देने हैं ऐसे और ये ऐसे। तो अब ये कुछ इस प्रकार का दिखेगा। तो फिर हमको ऐसे का एक लेना है, उसमें एक डॉट में एक बोल्ट डाल के फिर ऐसे जोड़ देना है। ये जो रहेगा इनमें ये जो थ्री डॉट वाला मेटल का पीस है उसमें हमने डाला है बोल्ट। अब नट से हम इसको टाइट कर देंगे। हाँ। और इसके साथ एक टूल मिलता है पेच कसने का, तो हम इसका यूज़ करेंगे। बट हमारा वाला ख़राब हो गया है तो हम अपना खुद का पेचकस दूसरा वाला यूज़ करेंगे। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। मैं तो अपने लिए परमानेंटली बना रहा हूँ। और फिर हमको ऐसे का एक लेना है और ये फुल साइज वाला है तो आपको इसको बोल्ड के साथ कसना है। ये एक बोल्ड है उसको ये ऐसे पहले आप क्या करें कि ऐसे डाल ले और फिर ये जो छेद है उसमें ऐसे फिक्स कर दें, इसको डाल दीजिएगा। तो अब हम इसको नट कस के सिक्योर कर देंगे और फिर आपको इसके साथ एक एक स्क्रू ड्राइवर भी मिलता है, उससे मैं कसूंगा इसको सीधा न डालते हुए।
यहाँ से डालें तो ये ठीक रहेगा। जब हम इसमें चक्के डालेंगे तो ब्लॉकेज नहीं होगी। तो ये मैंने स्क्रू ड्राइवर ले लिया है अपना, अब मैं इसको इससे कसूंगा। क्या वो पॉज कर दी? ये हमने अब इसको डाल लिया है। अभी ये एक नट है उसका इस्तेमाल करूंगा मैं। जो हम इसको सीधे से सिक्योर कर लेंगे तो अभी कुछ इस तरह दिखेगा। तो वो कुछ इस तरह दिखेगा, पर इसको थोड़ा सा ज़्यादा टाइट ना करते हुए थोड़ा सा ढीला रखें जिससे हम अपने चक्के जो हैं वो मोड़ सकें। तो ज़्यादा टाइट ना करते हुए थोड़ा ढीला रखें। पार्ट्स को टाइट कर लेते हैं। तो अब हमको इस तरह के, ये देखिए अब ये कुछ इस तरह दिखेगा। तो अब हम इस तरह के दो बड़े बड़े चक्के लेंगे और इस तरह का एक मेटल का बड़ा पीस। तो ये जो चक्के में ये छेद रहेगा उसमें हमको ये डाल देना है और फिर ये ऐसे छह पॉइंट पे डाल के ये इस तरह कुछ डालेगा और फिर आपको दूसरा आधा बड़ा चक्कर डाल देना है। इस वीडियो को देखने के लिए प्लीज थैंक यू। लाइक शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। रुक जाना यार। Thank you for